तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस, पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैंने खेला था अपने गिल्ड के एक्टिंग लीडर के साथ कस्टम, वो भी 1v1 डीजे टीगल से खेला था। तो उसने मेरे के चैनल पे कमेंट करा कि तेरे को मैं M500 से हराऊंगा। तो गाइस, हम भी खेलेंगे और M500 के साथ खेलेंगे। लेकिन भाई, मैंने शुरू में सोचा था कि भाई वो तो मेरे को नहीं मार पाएगा, तो मैंने डीजे टीगल ले लिया। और उसका जो उसने जो बोला था कि M500 से हराएगा, वो भी होगा नहीं। लेकिन भाई, उसका जो गेम प्ले इतना खतरनाक था ना, आप लोग देख रहे हो भाई, फर्स्ट राउंड में ही मैं हार जाता हूँ। तो भाई सब देखो, मतलब उसने क्या करा ना, हेलमेट लिया ही नहीं था भाई, यानी गेम में रूम उसने बनाया था तो हेलमेट रखा ही नहीं था, और वेस्ट रखा था 4 लेवल का। तो भाई, मैं बॉडी से तो मरने वाला हूँ नहीं, और मैं ही मारूंगा, तो बॉडी से तो मरेगा नहीं। और हेलमेट से भाई वो वन टैप गजब, मतलब हेलमेट नहीं था तो वन टैप गजब मार रहा था। तो पहले राउंड में हार गया, दूसरे में भी हार गया, तरह से 4 राउंड में लगातार हारता गया। फिर 2 शॉट मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही मारा, जिसमें कि वो उसको मैंने 2 गोली ही मारा, यानी सॉरी मतलब 2 राउंड ही मैं जीत पाया। उसके बाद पूरा राउंड हार गया था, मुश्किल से मैंने 2 राउंड ही जीता। और 7वां राउंड में आने के बाद भाई क्या ही खेल रहा है वो, क्या ही बोलना, इतना जबरदस्त मारा था। मैंने उसको बोला फिर से कि तू कस्टम बना, क्योंकि उसके पास रूम कार्ड था, तो कस्टम बना और लेवल 4 का वेस्ट रखा है, लेकिन हेलमेट 2 लेवल का रखने को बोला था। तो ठीक है, इस बार हम लोग हेडशॉट नहीं मार पाएंगे, लेकिन बॉडी से उसको मारने की कोशिश, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है उसको हराना। तो फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, और पहली बार में उसको लगा 154 का हेडशॉट और दूसरे बॉडी में खत्म। तो ये है एडवांटेज हेलमेट का, अगर मेरे पास भी हेलमेट अभी होता और मेरे को वन टैप मारता तो मैं नहीं मरता। तो सेम भाई, मतलब हेलमेट तो होना जरूरी होता है भाई, हेलमेट तो होना ही चाहिए ना। फिर इसको बॉडी लगा और नहीं लगा भाई, बहुत पास में आ चुका हूँ, तो मैं इसको बॉडी से खत्म करूँ। 1-2 खत्म भाई, सब 36 का बॉडी लगता है, पता नहीं भाई इसका 4 लेवल का वेस्ट था, फिर भी इतना कम यानी इतना ज़्यादा कैसे लगा। मेरे को लगा 17-18 का, क्योंकि बॉडी डैमेज 17-18 का पड़ता अगर आपके पास हेलमेट सॉरी वेस्ट अगर 4 लेवल का होता है। भाई मैंने उसको मारा था हेडशॉट इस जगह पर, अगर उसके पास हेलमेट नहीं होता तो भाई मैं जीत जाता। तो फिलहाल ले लेते हैं गन्स, और गन भाई लेना क्या है, मेरा भी M500 से खेलूंगा ना, डीजे टीगल से भाई हो नहीं रहा। फिर मेरे को हेडशॉट लगा भाई, मेरा खोपड़ी भाई पूरा तरीके से भाई खत्म हो चुका है, पाइप फटे हुए हेलमेट से मैंने उसको मार दिया हेडशॉट, यानी मेरे पास हेलमेट खत्म था, मैंने रिंग्स लेकर उसको मारा और खत्म, फायर करा और हेडशॉट लग गया। 5वां राउंड देखते हैं भाई कौन जीतता है। भाई साहब, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो भाई करना जरूरी है ना, सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम देखते हैं भाई क्या होता है इसमें भी काफ़ी जोन छोटा हो चुका है, और छोटा होने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं इसको जोन से ही एलिमिनेट करूँगा। भाई ये बहुत बढ़िया ट्रिक है, मैं इसको जोन से एलिमिनेट करूँगा। तो यहाँ पर एक वॉल लगा देता हूँ, इधर से इधर भी एक वॉल लगाना पड़ेगा भाई, ये गेम मैं जीत जाऊँगा। ऐसा ही होता है भाई, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो फिलहाल 5वां राउंड जीत चुका हूँ, और अभी इसमें फिर से भाई जोन काफ़ी छोटा हो चुका है भाई, अगर हेडशॉट नहीं लेगा तो मेरे को जोन में उसको एलिमिनेट करना है। लेकिन भाई इस वाले राउंड में हुआ नहीं था, मेरे को लगा था कि भाई ये एलिमिनेट होगा, लेकिन इससे पहले मैं ही एलिमिनेट हो गया, और हमारा इस बार ये राउंड भी हमारे हाथ से निकल गया। तो भाई देख सकते हो, अगर मेरे पास हेलमेट आया तो मैंने 4 राउंड अभी तक निकाल लिया, इससे पहले भाई मैं सिर्फ और सिर्फ 2 राउंड ही जीता था। तो हेलमेट होने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, हेलमेट के बिना भाई मतलब मज़ा नहीं आता खेलने में। और इधर से आ चुका है इसके अंदर, भाई हेडशॉट नहीं लग रहा है, हेडशॉट बहुत ज़रूरी है। 7वां राउंड देखते हैं भाई कौन निकालेगा, आप लोग क्या लगता है मैं मार पाऊंगा उसे। भाई साहब क्या हेडशॉट लगा, जबरदस्त हेडशॉट लगा, मस्त एक बार खत्म। और मैं थोड़ा चीटिंग भी करा था उसको, जब मैं हेडशॉट मारता हूँ तो उसका वॉल खोलूँ तो उसके अंदर जाऊँ, तो इस बार उसने भी क्या करा ना, वो भी मेरे को मतलब रिपेयर होने नहीं दे रहा, मतलब कि जो हेल्थ सॉरी क्या बोलते जो हेलमेट रिपेयर करने ही नहीं दे रहा था। किसी तरीके से मैंने वॉल लगा कर, क्योंकि मेरे पास है नायरी, जिससे आप लोग को पता है कि HP मिलता है आपको, एक एक वॉल लगाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा HP मिलता रहता है, 10-10 का 4 सेकंड तक मिलता रहता है। फिर हेडशॉट लगा, 1-2-3 नहीं भाई लगा ही नहीं, लगा भाई साहब बॉडी लगा, मतलब फर्स्ट राउंड में मैंने फर्स्ट बार उसको वन टैप मारा था, 150 कितना का लगा था हेडशॉट मेरे को पता नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने बॉडी मारा तो खत्म हो गया। और अभी देख सकते हो भाई थोड़ा एंग्री वाला इमोजी दे रहा है, क्योंकि मैंने उसको बॉडी से मारा। भाई अगर मैं हेडशॉट नहीं मार पाता हूं, तो मैं कैसे मारूंगा, ऐसे जोन में एलिमिनेट हो जाता। और सामने फिर 39 का हेडशॉट, 39 का बॉडी शॉट, भाई इमोट शॉट मारेगा मेरे को भाई, इमोट शॉट में भाई उसी को इमोट मतलब उसी को इमोट के अंदर इसको हेडशॉट लग गया, पहला लगा 158 का, और फिर बॉडी से भी खत्म हो चुका है, और 7 और 4 हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो भाई साहब हेलमेट होने का फायदा। तो भाई साहब क्या भाई गाइस, फिर मेरे को लग गया बॉडी,
सॉरी मतलब हेडशॉट लगा, दो दो हेडशॉट लगा था पहले बार में भी, मतलब अच्छा खेला यार। M500 से मेरे को हराना, मतलब हरा देगा भाई, मतलब हरा देगा क्या, मैं हार ही जाऊंगा। लास्ट राउंड हो चुका है गाइस 7-7 का, क्या लगता है आप लोग को? अगर मैं इसको मार पाता हूँ तो आप लोग ना वीडियो को एक लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। तो भाई साहब क्या, भाई साहब यार फिर से ये चीज़ हो गया, तो देखते हैं भाई क्या होगा। म्यूजिक लगाए वैसे लगता है हेडशॉट मार दूंगा, लग गया भाई हेडशॉट लग गया। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।